बड़वानी जिले के वरला तहसील की ग्राम पंचायत बाखरली के ग्रामीणों ने बड़वानी कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि आवास योजना सहित शौचालय निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मनरेगा में भी फर्जी बिल निकाले जा रहे हैं, इसकी जांच की जाना चाहिए। इसकी मांग को लेकर पंचायत बारखली के ग्रामीणों ने आज कलेक्टर कार्यालय में आवक जावक विभाग में ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में जहां आवासीय योजना के लिए रिश्वत मांगी जा रही है, वहीं शौचालय निर्माण में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। साथ ही ग्राम पंचायत में होने वाले मनरेगा कार्य में भी फर्जी तरीके से मास्टर बनाकर राशि निकाली जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुँचे, जहाँ कलेक्टर के ना होने पर उन्होंने आवक जावक विभाग में ज्ञापन सौंपा है। सेतुल को मौत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी चंद्र सिंह डावर, मेरा नाम है। डावर जी, क्या लेना आए हो? जी सर, हम लोग अभी मनरेगा में और ये आवास पीएम आवास योजना में और हर प्रकार के भ्रष्टाचार किया गया बाखरली में, इसका हम लोग निराकरण करना चाहते हैं। कहाँ से आए हो? बाखरली से आए, ग्राम पंचायत बाखरली, तहसील वाला, जिला बड़वानी। क्या क्या किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ? जी सर, अब पीएम आवास के नाम पर लोगों से भी 3-3 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये की डिमांड की जा रही है। और उसके बाद में जो ग्राम पंचायत जो मास्टर रोल है, इसमें फर्जी बिल लगा लगा कर पैसे निकाले जा रहे हैं उसके, और शौचालय निर्माण जो हुए हैं उनके डबल डबल आईडी बनाकर कम से कम 100-150 लोगों के फर्जी आईडी बनाकर उनके पैसे निकाल लिए गए। रोजगार गारंटी के तहत जिन लोगों के 15-20 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम भी मास्टर रोल में दर्ज हो गए और उनके पैसे भी निकले हुए हैं, तो ये पैसे कहाँ निकल रहे पता नहीं चल रहा अभी। कौन कर रहा है? इस सरपंच के द्वारा, सरपंच सचिव दोनों इसमें संलिप्त है सर। इसमें पीएम आवास का है, सीसी रोड निर्माण का है, मनरेगा कार्य है, 14 वित्त आयोग में सरपंच के द्वारा बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया गया है और फर्जी बिल लगाकर सारी चीज़ें कम से कम 38 लाख के लगभग समथिंग पैसे इतना निकाल लिया गया है फर्जी बिल लगाकर। मेरा नाम मांगीलाल मोरे है, मैं ग्राम पंचायत बाखरली से आया हूँ। हमारे यहाँ सरपंच सचिव द्वारा सीसी रोड जो कि मतलब फर्जी बिल लगाकर सभी राशि आहरण की गई है, पर अभी तक सीसी जारी नहीं हुई है और पैसा पूरा निकल चुका है। बाकी और शौचालय भी टोटल मतलब डबल आईडी बनवाकर पैसा निकाला गया है। पंचायत से जो अध्यक्ष निर्माण समिति है पंचायत की, उसमें से पूरा पैसा निकाला गया और सरपंच के द्वारा उनके ही परिवार के सदस्यों के खाते में मनरेगा की राशि डाली गई है, जिनके लड़के मतलब उसका लड़का और जो उनकी लड़कियाँ है जो इंदौर पढ़ती है, उनके भी खाते में पैसे निकाले गए हैं। 14 साल की लड़की भी मनरेगा में मजदूरी कर रही है। हम तो ये चाहते हैं कि सरपंच के विरुद्ध उचित कार्रवाई हो और जितना भी भ्रष्टाचार हो उसके बारे में मतलब पूरा उसका लेन देन का हिसाब किया जाए और उसे राशि वापस वसूली जाए जो पंचायत में ग्राम विकास के लिए यूज की जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।